बिहार के सहरसा जिले से नवीन झा जी का प्रश्न है, प्रतिष्ठा से संबंधित। वे कह रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना के समय देवता का मुख किस दिशा में होना चाहिए, जैसे सरस्वती गणपति आदि की स्थापना किस किस दिशा को मुख करके करें, इसकी जो है जानकारी देवें, मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रतिष्ठा में किस देवता का किस दिशा की तरफ मुख हो सकता है, किस में नहीं होना चाहिए, ये जानकारी आपको प्रतिष्ठा मौक्तिकम ग्रंथ के आधार पर, राजबल्लभ ग्रंथ के आधार पर और प्रतिष्ठा मयूख जो कि भगवंत भास्कर ग्रंथ में से है उसके आधार पर बतलाते हैं। देखिए, राज बल्लभ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पूर्वापरान्य देवानाम कुरियान्नो दक्षिणोत्तरम ब्रह्म विष्णु शिवानां च गृहं पूर्वापरांगमुखम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रार्कौ गुह इंद्रश्च देवताः पूर्वापरमुखाश्चेते सर्वदा शुभकारकाः। देवताओं के, प्रायः समस्त देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु शिव गुह माने कार्तिकेय, पूर्वापरांगमुखम पूर्व की ओर मुख होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्कौ गुह इंद्रश्च देवता पूर्वापर मुखाश्चेते सर्वदा शुभ कारका। ये पूर्व की ओर मुख वाले होते हैं तो ये सुख देने वाले होते हैं, स्वभाव होते हैं। और कह रहे हैं आगे, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रार्कौ पुरम हंति परांग मुखा। यदि किसी गांव आदि से, पुर से ये परांग मुख होते हैं, उधर की गांव की तरफ अभिमुख नहीं होते हैं, तो ये जो है हानिकारक होते हैं। पुरम हंति, जो पुर का नाश करते हैं। कहते हैं शिवो जिनो हरिर्धाता शुभाह सर्व दिशा मुखा। इन देवताओं का मुख सभी दिशाओं में हो सकता है, अर्थात चारों दिशाओं में इनका मुख करके मंदिर बनाए जा सकते हैं। कौन? शिव, एक जिन शब्द से लेते हैं जैन मंदिरों के जो तीर्थंकर आदि के मंदिर होते हैं, या ये जो है जैनियों के मंदिरों के भी सभी तरीके के मुख देखे गए, वो अलग बात है। हरि ही भगवान विष्णु के मंदिर, धाता यानी ब्रह्मा जी का मंदिर, और इनका सभी त्रिदेवों के मंदिर सभी दिशाओं में सुखावह है, सभी दिशाओं में मुख हो सकता है। अब बता रहे हैं दक्षिण दिशा में किन किन देवताओं का मुख हो सकता है। सामान्य रूप से आप ये समझिए, जिस देवता का जिस दिशा में मुख लिखा है तो उधर तो उनका करना है, अथवा सभी देवताओं का मुख पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हो सकता है। जो भी देवताओं की दिशा लिखी है न लिखी है, उन सभी देवताओं का मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो सकता है। अब दक्षिण को किन किन का हो सकता है वो बतला रहे हैं। विघ्नेशो भैरवश चंडी नकुलीशो गृहस्थता मातरो धनदश्चैव सुभा दक्षिण दिग्मुखा। कहते हैं विघ्नेश जो है गणपति का मंदिर, भैरव और चंडी, ये विघ्न विनायक एक जो है वैनायक अलग होते हैं विनायक, और ये वैनायकों के गणेश जी अधिपति हैं, तो ये वैनायक की बात चल रही है। विघ्नेश वो मुख्य रूप से गणपति के जो है गणेश भगवान के मंदिर दक्षिणाभिमुख नहीं देखे गए हैं, नहीं होते हैं, ये वैनायक एक अलग होते हैं, कई वैनायकों के अधिपति हैं भगवान गणेश, तो उन वैनायक की बात चल रही है। ये जो है उग्र देवताओं में आते हैं, समस्त उग्र देवताओं का मुख दक्षिण की ओर हो सकता है। कहते हैं विघ्नेशो भैरवश चंडी नकुलीशो गृहस्तथा, भैरव चंडी नकुलीश और गृह आदि जो भी हैं, मातरो धनदश्चैव और मातृकाएं योगिनी या कोई और भी सुरस मातृकाएं, सप्तकृत मातृकाएं, घृत मातृकाएं, जल मातृकाएं, या जो है स्थल मातृकाएं, जीव मातृकाएं, मंडप मातृका, बहुत मातृका होती हैं, इस तरीके के किसी मातृका का जो मंदिर हो जो है उन मातृकाओं का, मातरो तो मातरा, वे सब दक्षिण की ओर
अभिमुखा हो सकते हैं। धनदश्चैव कुबेर का मंदिर भी दक्षिणाभिमुख होता है। शुभा दक्षिण दिग्मुखा, ये मंदिर भी दक्षिण की ओर शुभ करके होते हैं। पूर्व या उत्तर को तो सबके हो सकते हैं, पर इनके दक्षिण को भी सुखावह होते हैं। आगे कह रहे नैरत्याभिमुखा कार्यो हनुमान वानरेश्वरा, वानरेश्वरा हनुमान, भगवान हनुमान जी का मंदिर नैरत्याभिमुखा कार्य, नैरत्य की ओर, दक्षिण और पश्चिम के कोने का नाम है नैरत्य, तो नैरत्य दिशा में भी हनुमान जी का मुख होता है। लोग दक्षिण में कर देते हैं, दक्षिण में सामान्य रूप से हनुमान जी का दक्षिण में मुख कर देते हैं। मुख्य रूप से हनुमान जी की जो दिशा है वो नैरत्य दिशा है, तो नैरत्य विदिशा है यानी कोण है, तो कोने में हनुमान जी के अलावा और किसी का मुख नहीं होता। सभी देवताओं का मुख पूर्व पश्चिम उत्तर अथवा दक्षिण को होते हैं, लेकिन कोने में किसी का नहीं होता, कोने में केवल हनुमान जी का मुख हो सकता है। देखिए कहते हैं अन्य विदिंग मुखा देवा न कर्तव्य कदाचन, अन्य किसी भी देवता का विदिंग मुखा मन कोने में मुख कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जो है राजबल्लभ नाम के ग्रंथ में देवताओं के मुख की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से ये निश्चित हुआ है कि देवताओं के मुख, भगवती दुर्गा जी का मुख उत्तर की ओर नहीं होता और सभी दिशाओं में हो जाता है। मुख्य रूप से भगवती की जो पूर्वाभिमुख स्थिति या पश्चिमाभिमुख स्थिति होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा भगवती सरस्वती गणपति, इनके सबके मुख पूर्वाभिमुख या जो है उत्तराभिमुख होते हैं।